प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने राज्य सरकार से सभी तरह के प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं के लिए जाने वाले शुल्क को माफ करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते बेरोजगारी बढ़ी है और सभी वर्गों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। अतः ये आवश्यक है कि सरकार युवाओं को आगामी एक वर्ष तक सभी तरह की परीक्षाओं के लिए जाने वाले शुल्क को माफ कर राहत प्रदान करे। दीपक शर्मा ने कहा कि जो एजेंसियां इन परीक्षाओं का संचालन करती हैं, उनको विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है ताकि कर्मचारी चयन बोर्ड, प्रदेश भर्ती परीक्षा बोर्ड एवं कर्मचारी चयन आयोग सुचारू रूप से परीक्षाओं का संचालन करने में सक्षम हो सके। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि वर्तमान कोरोना संकट काल में ये आवश्यक है कि सरकार बेरोजगार वर्ग को राहत प्रदान करे। उन्होंने कहा कि उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस विषय पर संवेदनशीलता दिखाते हुए युवाओं को राहत प्रदान करेगी। दीपक शर्मा ने कहा कि अभी तक सरकार ने किसी भी वर्ग को कोरोना संकट में हुए नुकसान की भरपाई स्वरूप राहत प्रदान नहीं की है। किसान, बागवान, मजदूर, मध्यम वर्ग सहित सभी वर्ग इस इंतजार में है कि सरकार राहत प्रदान करेगी, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई है। ये चिंता का विषय है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आमजन को वर्तमान समय में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई सातवें आसमान को छू रही है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी इजाफा हो चुका है और सरकार मूल्य नियंत्रण करने में नाकामयाब साबित हो रही है। कोरोना संकट काल में जिस तरह से सभी वर्गों को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान हुआ है, उसी श्रेणी में बेरोजगार युवाओं को भी भारी नुकसान हुआ है और आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि जो भी प्रवेश परीक्षाएं या भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें प्रवेश शुल्क जो लिया जाता है वो माफ़ किया जाए और एक वर्ष तक जो भी किसी तरह की प्रवेश परीक्षाएं युवा वर्ग देता है, छात्र वर्ग देता है, उसकी प्रवेश परीक्षाएं या भर्ती परीक्षाओं में उसके शुल्क को माफ़ किया जाए और जो एजेंसियां इसको इन परीक्षाओं को लेती हैं उनके लिए विशेष बजट देकर इसके संचालन को सुदृढ़ किया जाए और व्यवस्थित किया जाए। आज ये समय की मांग है कि इन सभी लोगों को, युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को, छात्रों को प्रवेश शुल्क में जो है वो सरकार मुआफ़ी करे, उसका माफ़ करके इनको जो है वो सहायता प्रदान की जाए। ये बहुत बड़ी सुविधा प्रदेश के युवाओं के लिए होगी। हमारी मांग है कि इस मांग को पूरा किया जाए।